शाम की चाय के लिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता, क्रिस्पी खस्ता करारा। आप इसको हरी चटनी के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक कटोरी फ्रेश मटर के दाने, इसको डाल देंगे मिक्सर जार में। इसके बाद इसमें डालेंगे एक हरी मिर्ची और एक इंच अदरक का टुकड़ा। बिना पानी डाले इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके का। ये जो टेक्स्चर है, हमें ऐसा ही टेक्स्चर चाहिए मटर का। इसे एक साइड में करके रख देते हैं और कढ़ाई में डालते हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें तड़का लगाएंगे 1 छोटी चम्मच जीरा का। जीरा जब चटकना स्टार्ट करेगा तो इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून बारीक कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्ची को कट कर भी डाल सकते हैं। कुछ सेकेंड के लिए इन्हें भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे मटर का पेस्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छी तरीके से भून लीजिए ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। इसके बाद मैंने इसमें डाला आमचूर पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक जाएगा स्वादानुसार, और डालेंगे हरी धनिया की पत्ती, किचन किंग गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। तो आलू जो मैंने लिया था यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के नियर अबाउट लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लीजिए और 4 से 5 मिनट के लिए इन्हें कुक करेंगे और हल्का सा मैश करते हुए इन्हें फ्राई कीजिएगा ताकि जो बीच बीच में आलू के चंक्स हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। तो यहाँ हमारी स्टफिंग है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको एक बाउल में निकाल देंगे ताकि ये मिक्सचर जो है ठंडा होता चले। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने डाला 1 कटोरी मैदा। इसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे कलौंजी यानी मंगरेला, और डाला 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। पहले सारी सूखी चीज़ों को हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि मोयन थोड़ा सा और जाएगा, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल और डाला और ये देखिए एकदम परफेक्ट। बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इन्हें हम गूंथ लेंगे। जो आटा हमें प्रिपेयर करना है वो है सेमी सॉफ्ट डो। आपको लगाना है ना ज़्यादा टाइट आटा लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है। तो आटे को 2 से 3 मिनट गूंथ लेने के बाद इन्हें कवर करके एक साइड में रख देते हैं और एक मैदे की सलरी तैयार कर लेते हैं। मैदे की सलरी तैयार करने के लिए मैंने 1 कटोरी में लिया 3 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका मीडियम थिक बैटर आपको रेडी कर लेना है। न ज़्यादा पतला बैटर बनाना है न ज़्यादा और गाढ़ा बैटर बनाना है। तो सलरी आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक साइड में करके रख देते हैं और आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो आटा लगाने से पहले यानी बेलने से पहले एक बार अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और इनको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने इन्हें लंबा रोल कर लिया है और मीडियम साइज़ के पोर्शन में इनका बॉल्स रेडी करना है। तैयार आटे में से मीडियम साइज का पोर्शन लेंगे और इन्हें पहले सबसे पहले पेड़े का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको थोड़ा सा मैदा का आटा अप्लाई करके इन्हें रोटी जैसा ही बेल लेना है। तो जब तक मैं रोटी बेल रही हूँ तब तक आप कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो रोटी की मैं थिकनेस दिखाती हूँ कि उन्हें मैंने कितना मोटा रखा हुआ है। तो ये जो थिकनेस है कुछ आपको ऐसे ही रखनी है और 1 बाय 1 करके पहले सबसे पहले सारी रोटियां बेल लीजिए। उसके बाद इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तैयार आलू का मिक्सचर और एक समान रूप से फैला लेंगे। तो आलू के मिक्सचर का ज़्यादा मोटा लेयर मत लगाइएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से टाइटली और बहुत प्यार से इन्हें रोल करते जाइए। किनारों पे अप्लाई करेंगे तैयार की हुई मैदे की सलरी ताकि सील करते समय प्रॉब्लम ना आए और ये आसानी से क्लोज हो जाए। तो इन्हें अच्छी तरीके से सील कर दीजिए और इन्हें हाथों की सहायता से लंबाई में रोल कर लीजिए ताकि मिक्सचर थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने रोल को लंबा कर लिया है। इसके बाद नाइफ की सहायता से इन्हें छोटे छोटे पीसेज में कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना है और फिर हथेली से दबा के इनको अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेना है ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो जाए और ये जब डीप फ्राई करें तो ये बाहर ना निकले। और बहुत प्यारा सा क्यूट सा शेप आ चुका है। इसको डालना है तैयार सलरी में कुछ इस तरीके से। इसी बीच मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था और इस समय तेल का जो टेम्परेचर है वो मैंने मीडियम रखा है। 1 बाय 1 करके एक बार में जितना आता है उतना डालिए और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे क्रिस्पी खस्ता करारा होने तक। शुरुआती दौर में टच मत कीजिए। और हमारा पिनव्हील समोसा तैयार है। चटपटा नाश्ता पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।